guys, welcome and welcome back to my channel with new vlog. Hi, my name is Aditi Gupta. Hope you all are good. Yes, आप सभी को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग क्या होने वाला है. Yes, it's a Rajasthan vlog. So guys, ये व्लॉग थोड़ा डिले हो गया बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं ये अपलोड करूँ या ना करूँ बिकॉज अभी न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मुझे इतने अच्छे से व्लॉगिंग करनी नहीं आती, बिल्कुल अच्छे से क्लिप्स लेनी भी नहीं आती. तो मैंने जो भी क्लिप्स लिए मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी. जहाँ जहाँ पे भी मैं घूमी हूँ सब मैं आपको दिखाऊंगी. और यस, थोड़ा सा रिलीजियस हो गया ट्रिप बिकॉज फैमिली ट्रिप था तो रिलीजियस तो हो गया ही. तो यस, मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से टेम्पल्स गई हूँ और कौन कहाँ कहाँ पे घूमी हूँ. ओके, तो मिलते हैं. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. मैं जस्ट अभी उठी हूँ. रात व्लॉग शूट नहीं कर पाई ज़्यादा क्योंकि लेट नाइट चले थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे रात को. इस वजह से मैं रात व्लॉग शूट नहीं कर पाई. अभी नहा के मिलते हैं, फिर मैं आपको भी अपने साथ राजस्थान घुमाती हूँ. गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम रेडी. अब मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने, तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट. कितनी सुंदर पेंटिंग बनी है. देखो फिर तो मैंने खींच दिया है, आंखें भी खोल गया, थोड़ी पानी पिया, पेपर मिनट बाद में ठंडा हो गया. मैंने काफ़ी धीरे कर लेते तभी गाड़ी ना, उसके बाद ख्याल किया मैंने तो खींच दी पूरी और चलो और आप रास्ते में थोड़ा थक गया कि बाकी में छोड़ा ना. रास्ता दिखा रहा होगा ना, मैं सीधा ले हूं. एक मिनट, हाँ ले लेते हैं सीधा. देखिए यही होगा, अभी दरवाजा इतना बड़ा बना रखा है. देखिए ठीक है, मैं पकड़ लूंगा गोरी. मी एंड माय पॉप कमिंग टू.
जोलमहल जोलमहल जाएंगे अब तो हम लोग नहीं मैं तू तो गुजराती लाती बीस में रसोड़े में कौन था मैं तो नहीं थी बे और तुम भी अच्छा दीदी बता दे आपको पिंक सिटी क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ सारी बिल्डिंग्स भगवा कलर की हैं तो फिर इसको भगवा जी का कलर चाहिए क्योंकि अभी मुझे गुप्ता जी ने बताया है कि इसको पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ अंग्रेज आए थे उनको भगवा कलर पसंद नहीं आया तो उनको भगवा बोलना नहीं आता उनको भगवा बोलना नहीं आता था हाँ तब सैफरन कलर की इन्वेंशन हुई थी उनको भगवा बोलना नहीं आता था इसलिए उन्होंने इसको पिंक सिटी रख दिया था हेलो जल महल सुनिया में मेरी मुलाकात हो गई सुनिया में माड़ी तेरे साथ हो गई मित्रां दे नाल तू सवेरे करी सी तेरे नाल कल रात हो गई हुण मेरे बैड दस की हो गया लब दी फिरे नी तेरा की खो गया तक तक सिने तेरा छला मोता तक तक सिने अभी मैं घूम रही हूँ पुष्कर में पुष्कर की मार्केट में बहुत सुंदर है अभी मैं दिखा गुड मॉर्निंग गाइज आज मैं पुष्कर में हूँ आउटफिट कितनी अच्छी धूप आ रही है सो ब्यूटीफुल पेंटिंग जैसे पुराने जमाने में होता था ना ऊपर सीलिंग पे ऐसे डिजाइन नहीं दिखना अभी मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट करूंगी फिर आपको दिखाती हूँ ओके बाय गाइस इधर पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर है बहुत ज्यादा सुंदर लगी हुई है वन मोर हेलो गाइस आई एम ब्यूटीफुल लेडी ओके फिर आपने पुष्कर में क्या क्या देखा कब पहुंच गया तेरे को देखा जो आपने रात को शॉपिंग की है वो बहुत अच्छी बहुत हे गाइस आज मैंने लाल लिपस्टिक लगाई है
यू गाइस वी आर लिविंग फॉर पुष्कर. वी आर एट पुष्कर. वी आर लिविंग फॉर ब्रह्मा टेम्पल. एशिया में बहुत ही कम ब्रह्मा टेम्पल है जिनमें से पुष्कर में है और बहुत ही सुंदर है. इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स है और उनकी मार्केट इतनी सुंदर होती है ना, जो बहुत ही सुंदर होती है. गाइस इतना मजा आया ना सफारी में, सफारी राइडिंग में बहुत मजा. ऑसम. भैया बाइक चलाना के एटीवी डेजर्ट बाइक. टच कर. हाय राजू, इधर देखो इधर. अनजान आदमी को डराता है. पर तुमने अब बात ही ऐसी कर दिया कि मुझे खाज वाले गाने चलाने पड़ेंगे. खाज वाले गाने कौन से होते हैं? सुनते हैं खाज वाला गाना. फोन की आवाज आई. गिरू है क्या? शॉपिंग मैनू पट होने बड़ा दिल कर आएगा ब्लॉग के अंदर. डबल स्क्रीन में देखो.
कितना प्यारा लगता है ना ये कितना चलना है यार तो साल ना भाई जी फिर देखते हैं साल तो रहना अभी तो फिर देखते हैं अच्छा 450 मीटर सारा रहा भाई जी नहीं 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 भाई जी आप कैसी लापरवाही की वाली की बात करते हो भाई भाई जी मोड़ के सकर में सारा जाम है आप चुपचाप उधर रहो गुजराती थी मत बोलो ना तुम तो पहाड़ी भाषा नहीं आप तुम सीधा करके टाइम बनाओ अपनी उसमें अभी तक तो आया नहीं क्योंकि फिर उसमें और कुछ दिखे ना दिखे मेरी नजर तुम्हारी पेड़ पे जाती रहेगी यस फिर व्लॉग में भी वो कह रहा जाएगा इम्परफेक्शन में तुम्हारी ये दिख जाती है मैं तो कल से बोला था कि मैं बहुत प्यार से बात करूं राइट बिल्कुल ब्रदर तभी इस तरफ आए हैं हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम उस तरफ होते हैं अब तक अगर हम लेफ्ट लेंगे तो हम आगरा चले जाएंगे लेफ्ट लेते हैं ना नहीं हम लेफ्ट लेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि लेफ्ट को रास्ता ही नहीं ओके फिर okay. सीधा ले लेते हैं हम आगरा भी जाएंगे आगरा तो पहुंच गए हम भी हम शिवम फार्मा जाएंगे हेलो बोल जयपुर वाले फॉलोअर्स प्लीज मुझे मत मिलने आओ हाँ अगर मिलने आओगे तो मुझे कौन सा फोर्ट घुमा कर लाओगे जयपुर में कर रही हूँ मैं MNG यस MNG की फुल फॉर्म मीट एंड ग्रीट म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ब्लॉगर कितनी ज्यादा दूर है दिख रही है कैमरे में दिख रही है अच्छा कुछ बोलना चाहोगे अन्नी आप ट्रिप के बारे में कलाकारी दिखाना चाहूंगा पापा तो गए भी होंगे अरे पीछे आ रहे हैं उनको फोन करके पूछो लाइटें जला ले आपका ट्रिप कैसा रहा मेरा ट्रिप बहुत अच्छा था हाँ सो गाइस जो पीछे हम घूम के आए सब ट्रिप बहुत अच्छा था मतलब सफारी में तो इतने मजे आए ना मतलब सबसे बेस्ट बहुत बेस्ट और इतने मजे हमने कैमल राइडिंग की हॉर्स राइडिंग की और मतलब बहुत ही अच्छा था सबसे ज्यादा तो सफारी में मजे लिए हैं बहुत मजे लिए हैं अभी हम आगे जा रहे हैं वृंदावन वहीं पे मिलते हैं बोलो सारे राधे राधे सारे जोर से बोलो राधे राधे बोलो खड्डे खड्डे नहीं हम वृंदावन जा रहे हैं अच्छी बातें करो राधे राधे बोलो सारे कितनी ज्यादा धुंध हो रही है और हमें रात हम जाम में फंस गए 2 घंटे का जाम था इसलिए हमें वही सड़क
लाल की गाय है ये रास्ते से लेके आए। ये रास्ते का नाम चोर रास्ता बोलते हैं। ये सबसे पहला दरवाजा आता है पूरे गांव में। ऐसे सात दरवाजे अंदर कृष्ण को देखे। इस दरवाजे का नाम वासुदेव द्वार है। यहाँ से अपनी यात्रा शुरू होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। मथुरा यहाँ पे कान्हा जी का जन्म हुआ था। ये वही गलियां हैं जहाँ पे कान्हा जी ने का बचपन गया, खेले कूदे हैं वो। गोकुल की गलियां। यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण जन्मभूमि। अभी मैंने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए जहाँ पे कृष्ण जी ने अपना जन्म लिया था, जहाँ पे मतलब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और वहाँ पे अभी मतलब पुरानी वही 5000 साल पुरानी जेल बनी हुई है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और इतना सुंदर टेंपल था अंदर, बहुत सुंदर टेंपल था, मतलब बहुत मज़ा। और वहाँ पे इसीलिए शूट नहीं कर पाई ब्लॉग, क्योंकि कैमरा ले जाना अंदर मना था बिल्कुल। अब हम कहाँ पे एंटर कर चुके हैं वृंदावन। यार हीटर चलाया हुआ क्या? बंद करा हुआ, कुछ भी चला शीशा कर ले थोड़ा। गाइस कौन टेम्पल है ना, कितना अच्छा कर रही है। अभी इस कॉन टेम्पल देखे, बहुत सुंदर था। अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर।